हाय एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फिश फ्राई की रेसिपी। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स हम इसमें यूज़ करेंगे, फिर भी ये बहुत ही डिलीशियस और बहुत टेस्टी बनने वाली है। मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगी कि ऐसा क्या इंग्रेडिएंट हम ऐड करें कि हमारी फिश अंदर से तो सॉफ्ट रहे पर ऊपर से क्रिस्पी बने। तो ये सब जानने के लिए वीडियो एंड तक देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने रोहू फिश ली है 300 ग्राम और उसके इस तरीके से पीसेस करवा लिए हैं। तो अब इसे साइड में करते हैं और पहले मैरिनेशन रेडी करते हैं। तो मैरिनेशन रेडी करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/2 टीस्पून में इसमें ऐड करूँगी हल्दी, 1/2 टीस्पून ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून ऐड किया है मैंने सौंफ का पाउडर जस्ट खुशबू के लिए, 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है गरम मसाला, 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें ऐड किया है आमचूर पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए और 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर तीखेपन के लिए। और इसमें ऐड कर देंगे हम लेमन। लेमन हम अपने हिसाब से ऐड करें, मैंने यहाँ पे 1/2 लेमन का जूस ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1.5 टेबल स्पून के करीब ऑयल, सॉल्ट ऐड कर रही हूँ मैंने 1/2 टीस्पून ऐड किया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। 1/4 टीस्पून के करीब मैंने इसमें ऐड किया है काला नमक, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 1 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चावल काटा, यही वो इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से हमारी वो फिश जो है बहुत क्रिस्पी बनेगी। तो अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे, एक साथ में नहीं ऐड करना। तो मैंने अभी यहाँ पे देखिए 2 टेबल स्पून के करीब पानी ऐड किया है और बैटर को मिक्स करेंगे, बहुत रनी बैटर नहीं बनाना है हमें। तो ये देखिए मैंने सिर्फ 2 टेबल स्पून पानी ऐड किया और मेरा बैटर रेडी हो गया। इसी तरीके का बैटर आपको भी रेडी करना है। अब इस मसाले को हम फिश के पीसेस पे लगा देंगे, एक टाइम पे एक ही पीस पे हम लगाएं और बहुत केयरफुल रहना है क्योंकि मछलियों में जो कांटा होता है वो हमें चुभ सकता है। तो एक एक पीस को बहुत केयरफुली लगाना है और अच्छी तरह से कोट करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारे पीसेस पे लगा लिया है मसाला, ये देखिए। अब हम इस फिश को अगर आप चाहें तो 20 से 25 मिनट तक मैरिनेट कर सकते हैं और डायरेक्ट भी फ्राई करेंगे तो ये अच्छी ही बनेगी। तो मैं इसे 10 मिनट के लिए बस साइड रखूँगी और उसके बाद इसे फ्राई कर लूँगी। तो एक बार 10 मिनट हो जाए फिर मैं आपको आगे का दिखाती हूँ हमें फ्राई कैसे करना है। अब 10 मिनट हो गया है तो अब हमें करना है फिश को फ्राई। उसके लिए मैंने यहाँ पर पैन ले लिया है, पैन को गर्म कर लिया है और 2 टेबल स्पून में इसमें ऑयल लगाऊंगी। ऑयल को हमें बहुत अच्छी तरह से गर्म करना है और पैन के चारों तरफ फैला लेना है। जब ऑयल गर्म हो जाए तो हमें हीट को मीडियम कर देना है। अब यहाँ पर ऑयल में मैं फ़िश ऐड कर दूंगी, सारे फ़िश के पीसेस जो हमने मैरिनेट किए थे, जितना पैन में है उतने ही डालना है, एक्स्ट्रा नहीं डालना है और सारे पीसेस के गैप बीच में हमें गैप रखना है। अब हम इसी तरह मीडियम टू लो हीट पे इसे 4 से 5 मिनट पकने देंगे। जो भी एक्स्ट्रा मैरिनेशन बचा है वो हम ऊपर लगा देंगे, मैरिनेशन हमें वेस्ट नहीं करना है। तो मैंने यहाँ पर लगा दिया है एक्स्ट्रा मैरिनेशन, अब हम इसे पकने देंगे। एक बार ये 4 से 5 मिनट पक जाए फिर हमें इसे पलटना है। फिश को पकते हुए यहाँ पर 5 मिनट हो गया है, मीडियम टू लो हीट पे ही रखा है हमने। अब हम इनकी साइड्स को चेंज कर देंगे। साइड्स चेंज करते वक्त बहुत केयरफुल रहना है, पीसेस टूटनी नहीं चाहिए। अब यहाँ पर देखिए साइड्स चेंज हो गई हैं, तो अब इस साइड पे भी हम फिश को 4 से 5 मिनट तक मीडियम टू लो हीट पर ही पकाएंगे। हीट हमें हाई नहीं करना है वरना हमारी फिश ऊपर से जल जाएगी और अंदर से वो पकेगी नहीं। तो एक बार यहाँ पर 4 से 5 मिनट और हो जाए फिर हम आगे देखते हैं हमें और क्या करना है। 5 मिनट हो गए हैं तो अब हम अगेन इसको पलट देंगे। तो ये देखिए पीछे से काफ़ी क्रिस्पी हो गई है, तो अब इस साइड पे भी हम इसे 2 मिनट तक और पकाएंगे कि ये इस साइड से भी अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए। अब यहाँ पर 2 मिनट हो गए हैं तो फिश हमारी जो है दोनों साइड से अच्छी तरह से पक चुकी है। अब यहाँ पे हम फ्लेम हाई कर देंगे और फिश की जो कॉर्नर्स होते हैं, जो ये वाली साइड्स होती हैं, यहाँ पे भी मसाला कच्चा लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, एक एक पीस को उठा के इस तरीके से एक एक दो दो मिनट के लिए बस हमें छोड़ना है, ज़्यादा देर तक नहीं छोड़ना है। बस इस तरह से कर लेंगे कि कहीं से भी हमारा मसाला कच्चा नहीं दिखना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ किया है तो आपको ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए मैं सारी पीसेस को इस तरह से कर लूँगी तो कहीं से भी हमारा मसाला कच्चा नहीं दिखेगा खाते वक्त। तो देखिए अब यहाँ पर मैंने चारों तरफ से फ़िश को फ्राई कर लिया है। अब मैं इसको एक बार करीब से दिखा देती हूँ, ये देखिए हर जगह से हमारी फ़िश फ्राई, कहीं से कच्चा मसाला नहीं दिखेगा। और इस तरह से फ्राई करने से क्या होगा, हमारी फ़िश बहुत क्रिस्पी बनेगी ऊपर से और अंदर से सॉफ्ट होगी। तो ये स्टेप अब ज़रूर फॉलो करें।
अब मैं यहाँ पे सारी फिश को निकाल लूंगी, निकाल के फिर मैं आपको सर्व करना बताऊंगी कि इसे सर्व कैसे करना है। तो देखिए, सर्विंग के लिए मैंने यहाँ पे थोड़े से रिंग अनियन ले लिए हैं, थोड़े से यहाँ पे मैंने अनियन लिए हैं और पुदीने के पत्ते। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा और ब्यूटीफुल भी लगता है और फिश के साथ कॉम्प्लीमेंट भी करता है। एक साइड में मैंने फिश के सारे पीसेस को भी रख दिया है, कितना खूबसूरत लग रहा है ना, मुँह में एकदम पानी आ रहा है देख के। अब हम इसे सर्व करेंगे। ये है दही की चटनी, जो कबाब की चटनी के नाम से फेमस है, हरी चटनी, और ये है गार्लिक की चटनी। इन तीनों चटनी की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और आई बटन में भी, आप चेक कर लेना। अब मैं आपको एक बार ये चेक करवा देती हूँ कि अंदर से कितनी सॉफ्ट है और ऊपर से क्रिस्पी दिख रही है। तो ये देखिए, इतनी इजीली टूट गई, बहुत टेस्टी बनती है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना मेरी रेसिपी से। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी थी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। शब खैर।